लो थोड़ा और जितने बच्चे साथी बहुत बहुत आभार सबका बहुत मामा यार एक आइटम और बच्चे जल्दी सुन सुन भोपाल से आज सुनो तो सही अरे एक बस एक ही आइटम फिर खत्म हाँ थोड़ा समय दे दो यार सुन लो सात को अंतुल जी सात को है राष्ट्रीय संचालक लो यार क्या आप नहीं बोल रहे तो स्पीच नहीं दे रहे आप हाँ मैं अंशुल सा मरकाम जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और अपना वक्तव्य रखें उनके लिए जोरदार तालियां से स्वागत किया जाए ताली बजा दो यार नदी में फोटो खींच लूंगा कि हाँ यार हमारे जीएसटी वाले आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार और नसरुल्लागंज की इस पावन धारा को सादर सेवा जोहार। इत्तेफाक है कि आज बैटरी यहाँ का यानी कि पावर कट हो गया है। आप सभी से अनुरोध करेंगे थोड़ा पास में आ जाइए। रात भर जागे हैं, सफर करके यहाँ तक आ गए हैं, तो थोड़ा बात हो जाए। माइक की जरूरत नहीं क्योंकि शेरों की बात कर रहे थे, शेर की दौड़ वैसे भी गूंजती है। शिवराज मामा तुम हमसे डर गए इसलिए पावर कट कर दिए, सबको पता है। आ जाओ इधर पे जितने सब आ जाओ, सिर्फ शेर यहाँ पे रहेंगे, गीदड़ बाहर चले जाएंगे। शेर जितने यहाँ पे आ जाओ दोस्तों। आज रानी दुर्गावती के इस जन्मोत्सव को आज से 4 साल पहले कोई नहीं जानता था। जब रानी दुर्गावती के किसी उत्सव की बात होती थी तो लोग उन बात पे उत्सव मनाया करते थे। हम गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन के लोग जब इस बात पे चिंतन करने लगे, मनन करने लगे कि यार हमारे महापुरुषों की मौत पे हमेशा जश्न होता है मगर कभी उनके जन्म के बारे में किसी को नहीं बताया जाता है दोस्तों, हमने भी बोला अरे हम भी कुदेरेंगे, इतिहास को हम ही कुदेरेंगे क्योंकि हम छात्र हैं और छात्र का मतलब होता है वो इंसान जो हमेशा सीखने के लिए तैयार हो, चाहे उम्र कोई हो, 18 हो या 81 हो। मेरे भाई जब हमने इतिहास को कुदेरना चाहा तो सरकार ने हमारे कदम रोक दिए। जब हमने इतिहास को कुदेरना चाहा, हम आदिवासियों ने अपने इतिहास को जानना चाहा तो हमारी जुबान को काटने का षड्यंत्र कर दिए। फिर भी हमने बोले हमारे पास हमारे पुरखों का जीता जागती मिसाल है, हम नहीं रुकने वाले, हम नहीं थमने वाले, तुमको जितना जोर है जोर लगा ले क्योंकि हम गोंडवाना वाले। दोस्तों आज रानी दुर्गावती के बारे में यहाँ पे तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी बात रखी। राणा पूंजा के बारे में यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियों ने अपनी बात रखी। मेरे जेब में भी एक छोटा सा पर्चा है, उस पर्चे को मैंने नोट कर लिया है। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो कुछ बात आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। मेरे भाई मरकाम जी संघर्ष करो, संघर्ष करो। चूंकि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के छात्र है और उसी विश्वविद्यालय का कुलपति रानी दुर्गावती की जयंती मनाने से इनकार कर देता, ये हमारे लिए शर्म की बात है क्योंकि हमारे बच्चों को इतिहास तो पढ़ाया जाता है मगर वो इतिहास पढ़ाया जाता है जहां पर यह कहा जाता है कि रानी दुर्गावती पद्मावती थी। कोई यह कहता है कि रानी दुर्गावती गोंड नहीं कोई और थी, वो कहते हैं कि चंदेल आदिवासी नहीं थे, ना जाने कितने प्रकार के इतिहास पढ़ाए जाते हैं। चूंकि
अभी मामा जी भी यहाँ से देख लेंगे हमारे पास, तो तुम लाइट काट लो, कुछ काट लो, मोबाइल में बैटरी है ना, हम दुनिया को अपनी बात सुना देंगे, समझा देंगे, बाद में भी देखते रहेंगे। बांटे तुमने ही हो, तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मांग रही है, क्यों बांटे फ्री मोबाइल, हम भी उसका सदुपयोग करेंगे, हम अपना इतिहास बचाएंगे। तो बात इधर पे, अब ट्रैक पे आते हैं, थोड़ा इधर उधर से घूम रहे थे। अरे क्यों, किसी को रानी दुर्गावती पे गर्व नहीं है क्या? तो आ जाइए, गर्व होगा तो, नहीं होगा तो बैठे रहिए, नहीं अगर आप पीछे बैठे रहेंगे तो आपकी रानी को लोग कहेंगे कि पद्मावती थी तो कहीं कुछ थी, तो कहीं कुछ थी, करके डेट में ये कहने लगेंगे कि भैया कैटरीना क्या भाई रानी दुर्गावती, तब क्या करोगे मेरे भाई? हम गलत सोचते हैं, कहते हैं कि रानी दुर्गावती पैदा हो तो मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। हम गलत सोचते हैं कि कहते हैं कि टंटिया भील बिरसा मुंडा राणा पूंजा पैदा हो तो मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। वो कायर मक्कार लोगों की वजह से आज हमारा समाज गुलाम बना मेरे भाई, ऐसे मक्कारों को समाज से कदम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अभी बात चल रही थी ना कि एसटी कोटा कदम कर दिया जाएगा, ऐसे मक्कारों का एसटी कोटा खत्म करो जो कहते हैं कि क्रांति की अलख मेरे घर पे नहीं पड़ोसी के घर पे चले। थोड़ा सा ट्रैक पे आते हैं अब। रानी दुर्गावती को हमारे देश के रेशियल सीक्रेट सर्विस, अंग्रेजी में इंटरनेशनल नाम है जिसका, हिंदी में उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी कहते हैं और जिसको आरएसएस भी कहते हैं, इन लोगों ने बोला क्या बोला कि रानी दुर्गावती जो है वो आसफ खां से लड़ी। रानी दुर्गावती को एक ऐसा मॉडल बना के पेश कर दिया कि यह मुगल विरोधी, या रानी दुर्गावती को हिंदू कह दिया और एक तरफ मुसलमान कह दिया। दोस्तों इतना तो दिमाग तुम लोगों के पास होगा, एक चीज बताइए कि एक सेना होती है उसमें सेनापति होते हैं कि नहीं, बताइए? ठीक है ना, होते हैं। अब वो सेनापति में क्या होता है कि जो प्रधान सेनापति होता है वो तय करता है कि कहां हमला करना है और कहां नहीं करना है, सही है गलत बताइए? तो दोस्तों अकबर जो था उसकी सेना का सेनापति एक टुकड़ी का सेनापति आसफ खां रहा होगा, मगर अकबर की सेना का प्रधान सेनापति कौन था किसी को पता है क्या? मैं बताता हूं मेरे भाइयों, थोड़ा सा पर्चे से देख ले रहा हूं। अकबर की सेना का प्रधान सेनापति था राजा मानस, जिसे आप कहते हैं सवाई राजा मानस। अगर तुम रानी दुर्गावती को राजपूतानी कहते हो ना तो फिर बताइए कि सवाई राजा मानस राजपूत था कि नहीं, बताइए? ठीक है, अगर तुम ऐसी बात कहते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सवाई राजा मानस ने निर्णय लिया कि गोंडवाना में रानी बना दिया गया है किसको, एक महिला को, जबकि हमारी परंपरा है कि महिला चूल्हा चौकी करती है, महिला झूठे बर्तन साफ करती है, महिला गंदे कपड़े धोती है, महिला इतना घूंघट रखती है, महिला को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, और गोंडवाना वालों ने महिला को आगे बढ़ाया है। चलो आओ हम सारे इस देश के मनुवादी लोग तय करते हैं कि महिला को खत्म कैसे किया जाए, सब भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, अगर यदि महिला खत्म होती है और यदि इल्जाम राजपूतों के ऊपर आता है तो पूरे राजपूतों को ये गोंडवाना वाले खत्म कर देंगे। इसलिए एक काम करो कि मुसलमान की आड़ में झाड़ काटो। सवाई राजा मानसिंह ने तय किया कि मैं यहां से हुक्म दूंगा, किसको हुक्म दूंगा मेरे भाई, आसफ खां को, कि जाओ और तुम रानी दुर्गावती के गढ़ में अटैक करो और उसको मार डालो। और वहां पे जब आसफ खां ने रानी दुर्गावती के किले पे, रानी दुर्गावती के गढ़ पे अटैक किया तो मजाल नहीं थी कि कोई रानी दुर्गावती के किले को भेज सके मेरे भाई। मगर अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वो क्या होता है, रानी दुर्गावती जो थी सिर्फ उसके पास बील सेना थी,
मैं बील सेना के बारे में बताऊंगा। गोंडी में बील यह नहीं होता है धनुष, पारसी भाषा कहते हैं हमारे यहाँ, उसमें बील यह नहीं होता है धनुष, और बील से ही बना भील, और भील वही जाती है, जो ही प्रजाति है जो पश्चिम भारत में पाई जाती है। ये क्या बताएंगे इन लोग, क्या पता, ये कहते हैं कि भगवान श्री राम भी आदिवासी थे। प्रमाण कर दो मेरे भाई, प्रमाणित कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारा ये झूठा इतिहास, जिसकी वजह से आज आदिवासी गुमराह हो गया, जिसकी वजह से आज आदिवासी का सम्मान तबाह हो गया, जिसकी वजह से आज आदिवासी संगठित नहीं रह पाया, हम लोगों को तुमने नालायक बनाया, क्योंकि तुमको पता था, दुनिया को पता था, नालायक संतान के बाप को दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलता, और तुम्हाने हमको नालायक बनाया ताकि हम अपने पुरखों का सम्मान न कर पाए मेरे भाइयों। मगर अब हमारे पुरखों ने गुपचुप तरीके से ये जो आंदोलन खड़ा किया, इसने हम सारे आदिवासियों को लायक बनाकर इस पंक्ति में खड़ा कर दिया है कि हम इस पंडाल में बैठे मेरे भाइयों। तो समझ में आ गया, रानी दुर्गावती पे अटैक करने का आदेश देने वाला कौन? राजा मान सिंह। ठीक है, एक चोट मान लेते, तुम कहते हो कि चंदेल क्षत्रिय थे, तो राजा मान सिंह भी क्षत्रिय थे कि नहीं, बताइए तो बताइए। एक क्षत्रिय ने एक क्षत्रिय महिला पे अटैक क्यों कराया? समझ में आया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस देश में कोई महिला रानी बने, वो ये चाहते थे कि ये हमारी नौकरानी बने, और उसने यह अटैक कराया मेरे भाई। ये हकीकत की बात है, मेरे पास पूरा एविडेंस, इतिहास का एविडेंस मौजूद है। उसके बाद दूसरी एक अगली पंक्ति में आता हूं। आज ये महाराणा प्रताप बात में थोड़ा सा आप बताना चाहूंगा। अब देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम वर्सेस करते हैं, आदिवासियों को कहते हैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान हाँ आंख फाड़ के देख रहा है। ए मेरे भाई, तुम कहां से पैदा कर दिए रे हिंदू? वो तो खुद ही मुगलों का दिया हुआ है। अरे हम तो कोई तू रे, अब कोया वंशी है, इस देश का मूल निवासी, इस दुनिया का मूल निवासी है, तुम हमको कैसे प्रमाणित करोगे? हम तो तुम्हारे बाप है, तुम 4,500 साल पहले आए ना, हम तुमसे भी पहले आए, हम करोड़ों वर्ष पहले आए हैं, और इस दुनिया पे हम राज कर रहे हैं, अब हमको तुम झुटला नहीं सकते मेरे। इन लोगों की जो पूरी सिस्टम थी, उसने हम लोगों को पंगू बना दिया मेरे भाई। अब मेरा गला भी बैठ रहा है, क्योंकि भड़ास भी हो गई थी, गुस्सा भी आ गया था। मैं बहुत देर से बोल रहा था मेरे को जाना है, तो उनने बोले और को भी जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। रात भर मेरा शूटिंग चल रहा था, कैमरा शूटिंग चल रहा था, हम लोग हमारे लोगों को जगाने के लिए छोटी छोटी वाइट बना रहे थे, आदिवासी बच्चों को बैठा कर। रात भर सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक हमारी शूटिंग चली है, और 5 बजे ऑटो नहीं मिला, झोला लेके 1 किलोमीटर तक दौड़ा हूँ, और उसके बाद 5:30 बजे ट्रेन पकड़ा हूँ, और फिर यहाँ पे आया तो फिर वहाँ होशंगाबाद से इधर पहुँचा। तो एक मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, अभी पेन शक्तियों की बात हो रही थी मेरे भाई, कि पेन शक्तियों की बात हो रही थी, मैं आपको हकीकत में कह रहा हूँ, ये हमारी माताएं मैंने बहुत उपास रहती है ना, मेरे को कंपटीशन दे के बता दो उपास है। मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, 3 दिन बाद आज मैं कचौरी खाया हूँ, इससे पहले कुछ नहीं खाया, टाइम ही नहीं मिल रहा था आंदोलन से। मगर मैं काम कैसे कर रहा हूँ, मैं पानी पिए काम कैसे कर रहा हूँ, ये इसी शक्ति की वजह से कर रहा हूँ मेरे भाई। इस शक्ति पर भरोसा करना सीखो, मैं दिखावा नहीं करता, मैं भरोसा करता हूँ, मैं नाटक नहीं करता, मैं भरोसा करता हूँ, और इसी भरोसे के मान पे चलता हूँ, ये हकीकत की बात है मेरे भाई। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना इतिहास जानो, आप लोग अपने लोगों को इतिहास बताने की आदत डालो, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपके पास इतिहास बचाने के लिए। क्योंकि रानी दुर्गावती पैदा कहाँ हुई थी, इसके बारे में आपको दिन भर से बताया गया होगा, मगर उनकी मौत के बारे में यह कहना चाहूंगा कि रानी दुर्गावती को आसफ खां की तलवार नहीं भेद पाई, भाले नहीं भेद पाए, उनके ही उस क्षेत्र में पल रहा एक विभीषण, उसने तीर कमान से उनके ऊपर तीर कमान छोड़ दिया, और वो उनकी आंख में जाके लगा मेरे भाई। यानी कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार कौन हुआ? हमारे समाज की महिला हुई,
इस बात को समझो, कोई तुम पे हमला नहीं करेगा, तुम्हारी माताओं और बहनों पे इतने हमले करेंगे कि तुम इसके लायक नहीं बचोगे। अपनी माँ बहन के सम्मान के खातिर हमें गोंडवाना का झंडा और डंडा उठा के आगे बढ़ना होगा मेरे भाई। अब मैं इतनी ही बात कहूंगा क्योंकि हमारा सम्मान गोंडवाना में इसलिए है कि कोई दीगर वहां पे आंख उठा के तुम्हारी माताओं बहनों को नहीं देख सकता ना छेड़ सकता। नहीं तो मैं दावे के साथ करता हूं, ये दावे के साथ जो बात जो यहां कर रहा हूं उसको ध्यान पे दिमाग पे बैठालना, मेरे आंखों देखा परिणाम बता रहा हूं। जितने आदिवासी बच्चों की महिलाएं बच्चियां हैं जो ना अभी ये जितनी गर्भा में जाती है ना, एक बार उनका मैं तुमसे अनुरोध करता हूं, रोको उनको उस जगह पे जाने से, बचाओ अपने बच्चों की लाज, बचाओ अपने परिवार की लाज, बचाओ अपने समाज की लाज, क्योंकि यह जो दुश्मन है ये बहुत चालाक है, ये सीधे वार नहीं करता, ये घुमा के वार करता, और जब ये वार करता है तो तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए दुश्मन को चेतावनी देने से पहले, हमारा आदिवासी आदमी बड़ा स्पेशल है, युद्ध की तैयारी किया नहीं पहले दुश्मन को चेतावनी देता है कि मैं तेरे को मारने आऊंगा। मैं कहता हूं कि अंदर ही अंदर आज ये कुलतुर गोंडवाना महासभा या आदिवासी समाज, ये जितना भी आंदोलन अंदर ही अंदर चला ना, उस वजह से आज ये हजारों की तादाद में पूरे इस शहर को आप लोगों ने जाम किया। अगर यह नहीं होती तो कुछ नहीं होती। मैं बस इतना कहूंगा कि जिस प्रकार से एक मोहल्ले में विचारधारा पलती है, इस बात को थोड़ा भैया मंच पे बैठे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, विचारधारा जो होती है वो एक मोहल्ले में पलती है, और मोहल्ले में मकान जो होता है उसको हम संगठन मान के चले, एक संगठन, दो संगठन, तीन संगठन, चार संगठन, पांच संगठन, ये जितने भी एक विचारधारा के संगठन है वो एक ही मोहल्ले में होना चाहिए और एक दूसरे के सम्मान के साथ होने चाहिए। इस विचार को आप आगे संगठन का विरोध करने से बेहतर है कि आप जैसी विचारधारा के दूसरे भी संगठन को प्रमोट करना सीख जाइए, और ये काम हमने प्रैक्टिकली हमारे महाकौशल में चालू कर दिया है मेरे भाई। हमारी समान विचारधारा के समस्त संगठनों को हम एक छत्र छाया में लाते हैं और सर्व गोंडवाना समाज का गठन करके सबको आगे लेके जाते हैं। अगर विचारधारा पलना है तो उसके लिए मोहल्ला होना जरूरी है, और जब तुम्हारा मोहल्ला होगा, यहाँ पे मंसूरी भाईजान बैठे होंगे, उनसे पूछ लेना, किसी की मजाल है उनके मोहल्ले में, उनके आँख उठा के दिखा दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ कब बर्छी चल जाएगी, तलवार चल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सीखो उनसे कुछ, सरदारों से सीखो उनसे कुछ। ये हमारे आदिवासी समाज के लोगों के लिए एक सलाह है कि खुद पे नाज करो, अपनी सभ्यता पे नाज करो, और अपनी जैसी सोच रखने वाले अपने भाई पे नाज करो, केकड़ों को साइड करो, क्योंकि विभीषण लाख पैदा होंगे। तुमने भले एक रावण को मार दिया, अभी 9 रावण यहाँ पे बाकी है, और वही 9 ग्रह की शक्ति बन के ये सारे विभीषणों के साथ ऐसे कितने पुष्प शुंग मित्र आएंगे, सबको तहस नहस करके रख देंगे मेरे भाई। इसी के साथ बना के रहेंगे, गोंडवाना राज करेगा गोंडवाना, क्योंकि गोंडवाना हमारी शान है, हमारा मान है, और रानी दुर्गावती की भी पहचान है, क्योंकि रानी दुर्गावती इस देश की पहली महिला थी, उस वक्त की पहली महिला थी जब महिलाओं को रानी नहीं नौकरानी बनाया जाता था। उस समय हमारे आदिवासी समाज ने नौकरानी नहीं रानी बनाया, वो भी किसको बनाया, रानी दुर्गावती को बनाया। और इस बात को समझ लो, अगर तुम अगर असली मर्द हो, अगर तुम अपनी शेर का खून हो, तो तुम्हारे घर से रानी दुर्गावती निकलनी चाहिए, तुम्हारे घर से राणा पूंजा निकलना चाहिए, तुम्हारे घर से बिरसा मुंडा निकलना चाहिए। अगर तुम लोगों ने यदि सोचा मेरे भाई कि ये चीज पड़ोसी के घर से होना चाहिए, तो तुमसे बड़ा विभीषण कोई नहीं होगा, और ऐसे विभीषणों को खत्म करने के लिए भी हम तैयार रहेंगे। आप सभी को जय सेवा, जय जोहार।
बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आपने यहाँ पे इस बंद बिजली पे भी मेरा जौहर दिखाने का मुझे मौका दिया। और साथ ही सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ कि कुछ ऐसा कर दिखाना, वो एक कहावत है ना कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि नाम सुनते ही काम हो जाए। और इस बार अभी तो वो दादा बोल दिए कि मैंने यहाँ से दावेदारी कर दी है, नहीं तो मूड में तो मैं ही बैठा था कि इस बार मामा को चने छकाने रहूँगा मैं बिल्कुल, मगर अब उनने कर दी है तो मैं नहीं खड़ा होऊंगा, नहीं तो मैं तो बोला ही था मेरे को बुधनी से चाहिए, क्योंकि इस बार मामा की पतलून ढीली करने के लिए अगर इनकी मेथोडोलॉजी के हिसाब से माने तो ये शकुनी मामा को हम इस बार उनके रास्ते भेज के रहेंगे, सोच के रखा था, क्योंकि इन्होंने हमारे आदिवासी करोड़ों आदिवासी या लाखों आदिवासी भाइयों को कैंसर का रोग पीड़ित कर दिया है। मेरे भाई कम से कम लाखों आदिवासी आज कैंसर से जूझ रहे हैं, वो सिर्फ ये मामा की वजह से। ऐसे मामा को इस बार समझाना होगा, अगर तुमने समझा लिया तो तुम शेर दी औलाद हो, अगर नहीं समझा पाए तो फिर क्या कहलाते हैं शेर की जगह, वो आपको ही पता है। बहुत बहुत धन्यवाद जोहर, बहुत बहुत जावाज हमारे अंतुल जी मरकाम, क्या बात। हेलो, अरे चालू करो भैया, हेलो पानी दे दो यार, थोड़ा सा पानी दे दो। अरे मेरे लाउड स्पीकर वाले भाई सुन के आ जाओ। हाँ हाँ, उसको कैरी ऑन कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू मेरा है वो, कैसे करना है वो राइट में जाओ। तुम एक काम करो, डायरेक्ट वीडियो कर, डायरेक्ट वीडियो यार। हेलो हेलो, अरे बटन दबा दो, देखना जानकारी है कि नहीं, स्टार्ट हो गया। हेलो हेलो हेलो, बस दो मिनट, अरे उनको बुला लो, लाइट वाले भैया किधर गए। हाँ यहाँ से, हेलो थोड़ा पानी और दीजिए, नॉर्मल फड़ो पेंता फड़ो पेंता। साथियों, इतने वक्ताओं ने बोला तो विधानसभा क्षेत्र तो घबराएगा ही, डर के मारे लाइट तो देना पड़ेगा। अब हमारे अंतिम भाई को सुनना कहाँ आवाज जाती है, क्योंकि जावाज हीरा सिंह मरकाम का शहर है और ऐसे लाइट फाइट से डरते नहीं है, बोल दिया तो इंडिया में घबरा गया और लाइट छोड़ दी, ठीक है ना। अब सुनो जोरदार, हेलो थोड़ा इको कम कर देना। अच्छा, जितने भी यहाँ पर शेर दिल बच्चे हैं थोड़ा पास में जाइए, शेर दिल बच्चे बस आना, गीदड़ नहीं है ना, गीदड़ अपनी जगह में बैठे रहे ना, जो शेर है वो इधर पास में जाइए, यहाँ पे शेर कितने आ जाइए, गीदड़ बैठे रहिए। भैया मैं शेर हूँ, मैं बच्चे बोल रहा हूँ, कितने शेर दिल बच्चे है पास में जाओ, और जो गीदड़ है वहीं पे रहो। शेर दिल बच्चे है अगर उनके माता पिता सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को भेज दो, आ जाओ आ जाओ, अरे पास में जाओ, थोड़ी देर खड़े रह लेते, मैं भी बहुत पैदल चला हूं। जब आप लोग रैली में चल रहे थे उस समय पता है मैं 5 किलो का ट्राइपॉड हाथ पे लेके चल रहा था आप लोगों को लाइव करते हुए। आ जाइए आप लोग, आ जाइए कुर्सी लगा के 2 मिनट बैठ जाइए, ज्यादा नहीं 5 मिनट लूंगा बस, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट आप खड़े रहेंगे। हेलो हेलो, अच्छा ये ज्यादा अच्छा है भैया, इसका ईको थोड़ा कम कर दीजिए। दोस्तों, अभी हम कुछ वक्त पहले बात कर रहे थे रानी दुर्गावती जी के बारे में, मैं बहुत दूर से आया हूं और बहुत थका हूं, फिर से आप लोगों से एक और विनती करता हूं कि मंजिल हमारी सबकी बहुत दूर है, ऐसा मिलन दोबारा नहीं होगा। अरे दुकान वाले भैया थोड़ी देर बाद खोल लेना दुकान, आपके पास के ग्राहकों भी भेज दो, अगर उन्होंने विचार लेके नहीं गया, क्योंकि हम आंदोलन के माध्यम से विचार बनाते हैं, हम ये जो आयोजन करते हैं ये मनोरंजन नहीं है मेरे भाई, ये आयोजन विचार है, ये क्रांतिकारी विचार है, ये वो विचार है जो सम्मान से जीने के लिए हमारे लोगों को तैयार कर रहा है, क्योंकि
मैं आपको कहना चाहूंगा जैसे मैं कह रहा था तभी कि 5 साल 4 साल पहले क्या आपको पता था रानी दुर्गावती की कोई जयंती भी होती है? कितनों को पता था कि रानी दुर्गावती 5 अक्टूबर को पैदा हुई थी 5 साल पहले? बताइए, हाथ खड़े कर लीजिए मेरे भाई। किसी को पता था? किसी को पता था बताइए? नहीं पता था ना। मैं वही आपको कहना चाह रहा हूं कि धीरे धीरे इतिहास को हम जान रहे हैं, धीरे धीरे हम सारे युवाओं को जगा रहे हैं। थोड़ा सा एनर्जी आप ध्यान यहां पे लगाइए और थोड़ा सा एनर्जी लाइए। मैं एक छोटी सी बात को आपको टच करना चाहता हूं। मैं आपसे एक विनती कर रहा हूं मेरे भाई, ये विचार और भी महापुरुषों के द्वारा कहा गया होगा, यह विचार और भी क्रांतिकारियों के द्वारा कहा गया होगा। यह वह विचार है, यह आदिवासी के सम्मान का विचार है। आज मैं बात करता हूं कि जब एक मुसलमान को कुछ होता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान बैठ के बात करते हैं, जब एक ईसाई को कुछ होता है तो पूरी दुनिया के ईसाई बैठकर बात करते हैं, जब एक बुद्धिस्ट को कुछ होता है तो पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट बैठकर बात करते हैं, जब एक हिंदू को कुछ होता है तो पूरे देश भर के हिंदू इकट्ठे होकर बात करते हैं। सर्वाधिकार है कि जब एक आदिवासी को कुछ होता है तो उसके पड़ोस के मोहल्ले का आदिवासी उसके बारे में बात नहीं करता, उसकी मदद नहीं करता। यह हमारी सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है मेरे। इस बात को आप बदलना चाहोगे कि नहीं? हाँ या नहीं में बताइए। क्या आप चाहते हो कि एक आदिवासी आदिवासी को ईश्वर माने? ये तभी संभव है मेरे भाई जब एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को ईश्वर माने। ये ईश्वर भगवान मंदिर मस्जिद इधर पे नहीं मिलेगा अभी फिलहाल आदिवासियों को, खासकर उनको मिल जाएगा क्योंकि वो उनको उनके पुरखे उसको मानते आ रहे हैं, मगर हमारे पुरखे उस चीज को नहीं मानते आ रहे। हमारे पुरखे किस चीज को मानते आ रहे? हमारे पुरखे इस प्रकृति को मानते आ रहे, हमारे पुरखे मनुष्य को मानते आ रहे। और ये मनुष्य को क्यों मानते आ रहे? क्योंकि वो चाहते हैं, उन्होंने प्रमाण दिया है कि उन्होंने जमीन पे उनकी आत्माएं दफन है। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे होनहार निकले। जब हमने अपने पुरखों को दफन किया तो उनकी आत्मा चीख चीख के बोली कि देखो हमारी कौम ने, हमारी इस पूरी सल्तनत की कौम ने इस जमीन की लड़ाई को निरंतर जारी रखा है। मैं भी यही कामना करता हूं मेरी आत्मा तुम्हें देखती रहेगी कि मेरी ये कौम भी जमीन की लड़ाई को जारी रखे, क्योंकि ये जमीन आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब एक आदिवासी की जमीन जाती है तो सिर्फ उसकी संपत्ति नहीं जाती मेरे भाई, जब एक आदिवासी की जमीन जाती है तो उसकी सभ्यता भी जाती है, उसकी संस्कृति भी जाती है, क्योंकि आदिवासी की जमीन उसकी माँ है। और अपनी मां की रक्षा करने के लिए तुम लामबंद होगे कि नहीं मेरे भाई? बताइए बताइए। क्या आप एक छोटी सी बात सोचिए? आप लोग इतने आयोजन करते हैं, इतने आंदोलन करते हैं, इन आयोजन और आंदोलन के बाद क्या आपने अपने लोगों का दशा और दिशा जानने की कोशिश की? क्या आपने जानने की कोशिश की कि मेरे इस आंदोलन और इस आयोजन का क्या फर्क पड़ा है? आज हमारे छात्र जब बच्चे लोग कॉलेज में, ए बिटिया तुम सच धज के आज घोड़ी में बैठी थी क्या? खड़े हो जाइए, क्या नाम है आपका? आज सुबह से यहाँ पे काफी लोग बता रहे हैं, ये लीजिए माइक। मेरा नाम स्नेहा इब्ने है। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कौन से कोटे से आती हैं? बताइए। एसटी कोटा, एससी कोटा, ओबीसी कोटा, जनरल कोटा? हाँ जी, एसटी। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अच्छा, ये क्या होता है अनुसूचित जनजाति? अभी इतनी दूर से सुशीला दुर्वे जी आकर यही चीख रही थी यहाँ पर, गला फाल फाल के आपको बता रही थी कि क्या है हमारी लड़ाई। भाई
ऐसा कहा जाता है। अभी कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? दसवीं में हूँ। जब हम लोग बच्चे थे, हम जब स्कूल में थे, तो कहा जाता था द चाइल्डहुड माइंड इज जस्ट हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। व्हाट इज इट? इट्स जस्ट काइंड। चलो हिंदी में बोलता हूँ, जो बच्चों का दिमाग होता है ना, वो सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता, तैयार रहता है। उसके सामने जब भी कोई नई बात आती है तो बच्चा सीखना चाहता है, समझना चाहता है। तो अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे हैं, आखिर क्या है हमारे इन आयोजनों में कि हमारी आने वाली खाप तैयार नहीं हो पा रही है? बताइए क्यों ये बच्ची पता नहीं पाई, जबकि वो रोल मॉडल बन के आज इस शहर में घूमी थी? क्यों वो बच्ची पता नहीं पाई कि एक आदिवासी की पहचान क्या होती है? पता है आपको कि एक आदिवासी की पहचान क्या होती है? पहचान उसकी भाषा, सांस्कृतिक और जगह वगैरह। चलिए ये समझ गई है। मैं इसलिए इसको खड़ा किया कि ये रोल मॉडल बनी, ये घोड़ी सवार हुई, ये इस समाज का चेहरा बनी। मैं चाहता हूं कि जब आप किसी बच्चों को अपने समाज का चेहरा बनाए और जब वो मार्ग से निकले तो लोग उससे सवाल पूछे तो उसको उस सवाल का जवाब मिल जाए, तब जाके आपके समाज का गर्व से सीना चौड़ा होगा। मेरे भाई सिर्फ यही साबित करने के लिए इस वीडियो को बुलाया था। क्या नाम है? सुनीता इब्ने। स्नेहा इब्ने, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठ जाइए। यही बात थी। मगर जब जिन लोगों से हमारा संघर्ष है वो जब आयोजन करने बैठते हैं तो उनके आयोजन से निकलने के बाद वहां पे एक बच्चा भी होता है तो वो पूरी चीज को कंठस्थ करके वहां से निकलता है, क्योंकि यह बात मायने नहीं रखती है कि आप क्या बताने जा रहे हैं। बात यह मायने रखती है कि आप कैसे बताने जा रहे हैं। अगर आपने क्या और कैसे को निर्णय सीख लिया, अगर आपने किसी बात को बताना सीख लिया, तो मैं बेशक कहता हूं कि आप अपने इतिहास को बताना जान जाएंगे। अगर आप इतिहास को बताना जान जाएंगे तो आपके समाज के एक एक तबके के व्यक्ति का गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और तब जाके हमारा समाज राज करेगा, गोंडवाना नारे को सार्थक कर पाएगा। मेरे भाई ये हकीकत की बात है। माहौल नहीं बन पाएगा, चिंता मत करो। अगर यहाँ पे भीड़ होती तो मैं गारंटी से कहता हूं अगर माहौल बना होता तो सड़क पे भी खड़े होके लोग तालियां ठोक देते, मगर माहौल नहीं है। हमारे समाज का एक दुर्भाग्य रहा है, हमने सही समय में सही व्यक्ति को मौका नहीं दिया। रहा है कि नहीं बताइए? हमने सही समय में सही व्यक्ति को मौका नहीं दिया, हमने सही समय में हमारे समाज के लोगों को आगे आने नहीं दिया। और हमारे समाज का सम्मान तभी संभव है जब हम सही समय में अपने समाज के लोगों को आगे आने का मौका दे, उनको इबारत लिखने का मौका दे, उनको हम यहाँ पे अपने समाज का नाम ऊंचा करने का मौका दे, तब जाके हमारा जो नारा है राज करेगा गोंडवाना सार्थक होगा। क्योंकि अब वक्त खत्म हो चुका है और हमारा जो एक नारा है, मैं आप लोगों से एक विनंती करता हूँ, थोड़ा सा पास में आ जाए आप लोग। हम लोग एक नारा बना लगाते हैं, आप पहले अपने अंगूठे को ऐसा कर लीजिए, पास में आ जाइए आप लोग, सब आ जाइए, अपन खड़े होके लगा ले। क्या यार, इस जमीन में अपन खड़े हैं, इसी जमीन में खाते हैं पीते हैं, अपना सारा निस्तार यही करते हैं। खड़े हो जाइए सब लोग, ऐसा पहले उंगली ऐसा कीजिए, थोड़ा सा तकलीफ हुआ क्या? उसके बाद हाथ को ऐसा कर लीजिए, अब तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एक उंगली को करेंगे तो तकलीफ होगा। ये इसलिए है, मैंने भी ये पंच मार के देखा, ठीक है, जो क्या कहते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है, मगर इस हाथ का एक राज ये है, हकीकत की बात कहते हैं भाई, वो उसको मानो तो, अपने लोगों की बात सुनो तो। तो मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा, आपको कहना है गोंडवाना साम्राज्य के सम्मान पे है अपन सब लोग, तो आपको क्या कहना है अच्छे तीखे स्वर में? ये एक माइक ले जा लीजिए, गोंडवाना को रोक सके वो कौन माई का लाल है, क्या कहोगे आप लोग?
क्या कहोगे आप लोग? अरे गुड़िया लोग, तुम लोग आ जाओ, नारी शक्ति की आवाज तेज नहीं करना चाहिए। तुम लोग रोल मॉडल हो ना, आ जाओ, तुम लोग थोड़ा माइक पे बोलना हो। चलिए क्या कहेंगे आप लोग? कौन माई का लाल है? ठीक है, क्या बोलोगे? गुडवाना को रोक सके वो, कौन माई का लाल है? अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। गुडवाना को रोक सके वो, कौन माई का लाल है? अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। गुडवाना को रोक सके वो, कौन माई का लाल है? अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। गुडवाना को रोक सके वो, कौन माई का लाल है? एक बार इसी नारे पे कहना, इस पीले को रोक सके वो, कौन माई का लाल है? मात्र शक्ति के सम्मान में इकट्ठे हुए हैं ना, तो चलिए मात्र शक्ति के सम्मान में क्या कहेंगे आप लोग? इस पीले को रोक सके वो, कौन माई का लाल है? अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। इस पीले को रोक सके वो, कौन माई का लाल है? अरे हम क्या चाहते? अरे सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो, हम लेके रहेंगे, अधिकार हमारा, मातृभूमि हमारी, संस्कृति हमारी, अरे एक राष्ट्र हो, अरे मिलकर बोलो, बच्चे भी भागे, बूढ़े भी भागे, हम लेके रहेंगे, मातृभूमि हमारी, अरे सारे बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे ताली से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे एक राष्ट्र हो, अरे सारे बोलो। सारे लोग ऐसे ताली हमारे साथ बजाते जाएंगे तो अच्छा रिदम भी आ जाएगा बजाने में, ठीक है ना? अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। अरे हम क्या चाहते? अरे सारे बोलो, हम लेके रहेंगे, अधिकार हमारा, मातृभूमि हमारी, जीएसटी बना रहा, केजीएम है मांगे, जीजीपी है मांगे, हम लेके रहेंगे। अरे सारे बोलो, जेएसपी मांगे, मातृभूमि हमारी, दुर्गवती है मांगे, अरे सारे बोलो, अरे एक ही नारा, एक ही देश, अरे एक ही नारा, एक ही देश, अरे एक ही नारा, एक ही देश, अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। अरे किसी का भगवा, किसी का काला, किसी का झंडा लाल है। अरे सारे बोलो, हम लिख के रहेंगे, है सम्मान की बात, अरे इज्जत हमारी, मातृभूमि हमारी, अरे एक राष्ट्र हो, अरे समाजवाद हो, अरे सारे बोलो, जय भीम का नारा, जी यस्सु का नारा, बिरसा भी मांगे, फूले भी मांगे, अंबेडकर मांगे, हम लेके रहेंगे, अरे सारे बोलो, अरे बाती सुन ले, अरे सारा सुन ले, अरे सस सुन ले, हम लेके रहेंगे, अरे एक राष्ट्र हो, अरे शिवराज सुन ले, अरे भाजपा सुन ले, अरे सस सुन ले, हम लेके रहेंगे, अरे देश हमारा, अरे देश हमारा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, अब तो सुन लिया होगा, ये पहले ही कर लेते शॉर्ट में हो जाता, मगर अब समापन की बारी आ गई है। और समापन की वेला में एक बार मुझे लगा था कि जय लंकेश बोलने में तुम लोग पीछे रह गए, एक बार आखिरी बार मुझे ऐसा लगा था, एक ही नारा, एक ही देश, जय
पूछे कोई कि आप लोग जय लंकेश क्यों बोलते हैं, वो तो एक बात कह दूंगा। देखो भैया, आपको पता है ना कि हम आदिवासियों के पास ज्यादा जमीन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी माताओं बहनों के सम्मान के खातिर अपने महल छोड़ दिए और उनकी रक्षा के लिए हम जंगल में उनको संरक्षित रखे। वैसे ही राजा रावण जिस प्रकार राजा रावण ने अपनी बहन सूर्पनखा की इज्जत के खातिर दूसरी की बीवी को उठा तो लिया मगर उसे स्पर्श तक नहीं किया, ये उसकी मर्दानगी थी। और मगर उसने अपनी बहन के सम्मान के खातिर अपना शीश भी कटवा दिया और उसके पूरे खानदान ने अपना शीश कटवा दिया। इसलिए हमें लंकेश पे गर्व है जो अपनी बहनों के सम्मान के लिए मर सकते हैं मगर बहनों की इज्जत नहीं जाने देंगे। और आज के दौर पे जिस प्रकार से मामा जी आपके रहते हुए भोपाल में बच्चियों के साथ 33 बच्चियों के साथ शोषण हुआ, वो आदिवासी छात्रावास में शोषण हुआ, उसका मामला दबा दिया गया। इंदौर में आपके ही लोगों ने आदिवासी बच्चियों के साथ शोषण किया, उसका मामला आपने दबा दिया। हम लोगों को अब हम असली गोंडवाना के लोग हैं, असली आदिवासी मर्द की औलाद हैं, हम लड़ेंगे, हम सम्मान के लिए लड़ेंगे, अपनी बहनों के सम्मान के लिए लड़ेंगे। जो नामर्द हैं वो भगवा पहन के तुम्हारे साथ घूमेंगे मगर जो मर्द हैं वो पीले के साथ, इस शेर के खून के साथ, इस शेर के रंग के साथ तुमको इस बार टक्कर देंगे, टक्कर देंगे, टक्कर देंगे। तो सारे बोलो बड़ा की रहिके दोस्तों, अगर तुम किसी की मदद भी कर रहे हो और सेल्फी ले रहे हो ना फेसबुक में, जो इंसान पाउट बना के सेल्फी डाल रहा है, जो भी आदमी सेल्फी ले रहा है वो एक प्रकार की राजनीति है, क्योंकि राजनीति में इंसान खुद को श्रेष्ठ दिखाता है। जब आप सेल्फी लेते हैं तो आप खुद को बड़ा दिखाते हैं और अपने साथ खड़े सारे लोग आपकी वजह से छोटे दिख जाते हैं। तो आज के बाद से आप लोग सेल्फी नहीं लेंगे, ग्रुप फोटो लेंगे। तो इसलिए आज अपन एक ग्रुप फोटो यहाँ पे सारे लोग खड़े होकर ले लेते हैं। कुछ लोग नीचे खड़े हो जाइएगा, कुछ लोग ऊपर हो जाते हैं। और साथ ही कुणाल भाई, आप समापन करना चाहे तो समापन कर दें, मगर मैं ये रोल मॉडल कौन कौन था इन लोगों से 2 मिनट के लिए कहना चाहूंगा कि एक बार तुम लोग यहाँ पे जोर से नारा लगा दो, क्योंकि तुम लोगों को बोलना चाहिए था, इन मंचों पे उद्घाटन तुम लोगों को करना चाहिए था, क्योंकि तुम रोल मॉडल थे। कुछ 2 शब्द अपने समाज के बारे में थोड़ा सा बोल दो बेटा, ये जिंदगी ना मिले दोबारा की तरह, ये मंच ना मिलेगा दोबारा, बोल दो। ज्यादा भीड़ भी नहीं है, अपने समाज को या बड़ा पेंता ये तो नारे हो गए समाज के। 2 शब्द कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। अच्छा लगा, कैसा लगा वगैरह, ये सब लोग समाज स्थिति, हाँ ये सब पास में जाके बोलो। हाँ, आज का आयोजन बड़ा ही अच्छा था, हो गया। सभी लोगों को, सभी अतिथिगणों, सभी भाई बहनों को अच्छी प्रेरणा मिली। इसलिए भाई बाहर से आए उन लोगों ने जो अपने शब्द व्यतीत किए उसके लिए। चल बहुत अच्छा, बाहर से आए सभी भाई बहनों, मेरी माताएं बहनों, सभी को मैं अपना सादर आमंत्रित करती हूँ। महिलाएं वापस सुनने आ गई, सेवा जोहार और सेवा जोहार करती हूँ। और सबको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, तो आगे भी ऐसा ही सहयोग देते रहे इस कार्यक्रम में और अपना समय सबको देते रहे और गोंडवाना समाज आगे बढ़ाए ऐसा सोचो। ताली बजा दीजिए सर। सभी अतिथि गण को, दूर से पधारे मेरे भाइयों बहनों को मेरा शेरा सेवा जवाहर करता हूँ। और आज कार्यक्रम की उपस्थिति में जो इन लोगों ने मुझे यह संविधान दिया है,
सम्मान करा मेरा और यहाँ पे बैठने का मौका दिया उन सभी धर्म प्रेमी भाइयों को मैं सेवा जवार करता हूँ। और मैं काफी दिनों से इनके साथ हूँ, अपने ब्रज भैया है, कुणाल भैया है, इन लोगों के साथ काफी दूर भी गया हूँ बैठक पे, उन लोगों से मुझे बहुत सीखने को मिला है और मैं उनका बहुत ही सेवा जवार करता हूँ। और अपने रतनपुर वाले सरपंच जी, उनका नाम तो शायद पता नहीं है मुझे, लेकिन मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन लोग से भी मुझे बहुत सीखने को मिला है। और सभी टीम मेरे सीवर जिले से महासभा की टीम को मैं बहुत सेवा जवाब करता हूँ, जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। जय सेवा, जय बड़ा देव। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राणा पंड्या भिल का, रानी दुर्गावती का और साथ में हमारे अंकुर मरकाम जी का कि आपने इतनी अच्छी रोचक जानकारी से अवगत कराए। और इसी के साथ भैया रूपराम जी बढ़ते आए, अब व्यक्त करें कि नहीं करूं? हाँ तो करो। हाँ बोलो भैया। साथियों कार्यक्रम में जो आगामी संदेश है भैया, इसके लिए ये रामपाल सहरिया आपके मंच के लिए एक संदेश देना चाहता है कि एज ए ओजस्वी जावाज हमारे बीच सिपाही हैं। और पीछे आओ, बाकी लोग कुछ बच्चे लोग बैठ जाओ। तिरुमाल अंतुल जी मरकाम जो कि राष्ट्रीय संचालक है सीएसके, मैं उनका बहुत बहुत इस क्षेत्र मंच से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने अपना समय निकाल कर इतना दिया। और आगामी समय में आपकी मन को बात को हम आगे पहुंचाएंगे भैया, क्योंकि आगामी जो प्रतिद्वंदी है वो सांसद सभा है भैया, लोकसभा। तो लोकसभा के लिए आपसे इस मन से आशा करूंगा कि आगामी लोकसभा के लिए तैयार रहे भैया हमारे अंतुल जी मरकाम, जो लोकसभा आएगा उसके लिए सगा समाज साथ देगा, ऐसा मेरा विचार है। अगर समाज इसमें सहमत है तालियां बजा दे भैया आगामी के लिए। इसमें उंगली लगा दो जरा जल्दी फटाफट ले भाई, आज अब मत बंद करना ज्यादा, ऊपर मत बोले कर रहे हो जल्दी। हां आधे बॉडी के पास बोला बोलो। हां बाबा जी बोलो भैया, थोड़ा पीछे से भी ले लेना। अरे फोटो तो खींच लो भैया, आंदे बस एक आभार कर ली थे वो एक सिंगल देगा भैया आज आठ दस फोटो कर दिया। अच्छा अच्छा हाँ आ जाओ, कर दो आभार कर दिया हमने। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अरे भैया फोटो खींच लो भैया चलो यार खत्म करो यार, बंद कर दिया। एक मेरे बोलो आप बंद कर दो। अरे रुक जाओ भैया बस यार, आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी सगा समाज को यहाँ पर उपस्थित हमारे जबलपुर चलते आए हमारे श्रीमान अंशुल जी मरकाम जी और हमारे घोड़वाना महासभा की टीम और दूर दराज से पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण, भोपाल से चढ़ के आए हमारे घोड़वाना महासभा के पदाधिकारी और मातृशक्ति पितृशक्ति सभी को हमारी टीम की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ, आपका स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूँ। जय सेवा, जय बड़ा लो भैया। लेगा नहीं क्यों? अरे आ जाओ यार, इधर बुला रहे यार, फोटो भैया बैठ जाओ। अरे सर भैया
आप लोग सब जो लिस्ट बना के सबका नाम नंबर दो मेरे को अभी, ठीक है ना? मैं एक मैं आप लोगों को पेपर दे रहा हूँ, इस पे जितने लोग मौजूद है ना, ये लोग सब इस पे लिस्ट बना के। नहीं मेरा तो यहाँ थोड़ी, हाँ जहाँ से भी है। अरे भैया ये इसको कलेक्ट करना जरा, ऐसा मोड़ पे जाना फोन लेने। अरे 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 उधर बुला रहे हैं यार, किधर उधर रुक जा रुक जा। आप लोग उसको कलश से पांच तत्वों की जो जोड़ चली थी उसमें सिर्फ और एक इच्छा भाई है, कलश को लिजा कर अपना सेवा करते अल्लाह का चाल वो चल रही बंद हमारी
यदि वासी प्रयाग धर्म में है आपकी रोक नहीं दरवाजा होता है उसे भी नहीं काम होगी आप पत्ता पकड़ना चाहते हो पहले आपको इनाम हूँ आपको जो आप उनसे मांगोगे बड़ी नहीं लिया कहाँ है मेरी माँ नियम से आप नियम और संयम से जब चलोगे ना तो निश्चित करके नियम से हम लोग आपको बता दे रहा हूँ ये पक्का मकान है ठीक है ये जो हमारा कमरा है ये मैं दरवाजा हूँ ये दरवाजा तो नहीं जाऊँगा जाएगा ओह माय गॉड कथा जानती है उसे कथा नहीं कहा जाता हमारे गोंडी में प्रेम पूजा कहा जाता है गोंडी मतलब